अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया है। इसी को लेकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद को मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी दी, साथ ही निधि समर्पण अभियान के बारे में बताया। बता दें कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 5,00,000 रुपये का चेक सौंपा है। ये जानकारी मंदिर ट्रस्ट के जुड़े लोगों ने दिया है। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा है कि 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। 4,00,000 गांव और 11,00,000 परिवार तक हम पहुंचेंगे, उनसे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कैश क्यों लिया जा रहा है, जिस पर वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा, हम तो चेक भी ले रहे हैं, कैश भी ले रहे हैं। बड़े नेता सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो छोटे नेता है उन्हें परेशानी है। राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए 10 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये के कूपन उपलब्ध हैं। इन कूपन के माध्यम से ही श्रद्धालुओं से सहयोग राशि ली जाएगी। वीएचपी ने स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, जो गांव तक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 27 फरवरी को निधि समर्पण अभियान का समापन होगा। अभियान का लक्ष्य 65 करोड़ लोगों तक पहुँचना है। वीएचपी का कहना है कि भक्तों को पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा, ये धर्म का काम है और प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने ये भी बताया कि कूपन के साथ साथ श्रद्धालुओं को भगवान राम का चित्र भी दिया जाएगा। अनुमान है कि अयोध्या में 70 एकड़ में फैले राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च आ सकते हैं। इस मंदिर की तैयारियाँ कई दशकों से हो रही है। पत्थरों को तराशने का काम अयोध्या में राम सेवकपुरम की कार्यशाला में जारी है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर इस मंदिर से जुड़ी जानकारी मौजूद है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।